पूरे देश में सबसे ज्यादा ईडी का ईडी की जो जांच है या रेड है या एक्शन है वो महाराष्ट्र में हो रही है। अब तक महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के 14 प्रमुख लोगों के ऊपर एक्शन हुई है, पश्चिम वेस्ट बंगाल में 7 लोगों पर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है उनके ऊपर ना आईटी ना ईडी, क्या वो लोग मुंबई के रास्ते पर हाथ में कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं? इनकम और टैक्स हमारे पास है क्या? इनकम टैक्स की जो भानामती चल रही है वो भी जल्दी एक्सपोज हो जाएगी। मैंने 15 फरवरी के मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना भवन में ईडी के वसूली एजेंट्स के बारे में बताया। 4 पांचवा किरीट समय आता है, ये सर्विस है, इट इज बहुत इंपॉर्टेंट। और ईडी के अधिकारी, बड़े अधिकारी, अब उसमें से कुछ अधिकारी तो भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, और मैंने सुना कि इस अधिकारी ने, जो ईडी का अधिकारी था, उसने यूपी के 50 उम्मीदवारों का खर्चा भी किया है। मैं सुना तो आप बीजेपी का उम्मीदवार बनकर चुनाव वहां लड़े, ये एक नेक्सस। उसका मतलब ये है ईडी भारतीय जनता पार्टी की एटीएम मशीन बन गई। ईडी और ईडी के कुछ अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के एटीएम मशीन बन गए। डिस्ट्रॉशन के बारे में मैंने पूरा काला चिट्ठा प्रधानमंत्री जी को खुद एम कार्यालय में मैंने लिख कर दिया है।